और साथ में मैं आप लोग को न्यू डिस्काउंट इवेंट के बारे में बताने वाली हूँ। और आप लोग को बहुत सारे जो फ्री के रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेगा वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और कौन से इवेंट में मिलेगा ये भी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सब वीडियो को तो ऐसे में स्किप मत करना या फिर आप लोग बहुत सारी अपडेट मिस कर दोगे। तो चलो इस वीडियो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सो गाइस, तो सबसे पहले तो देखो आप लोग को एक नया डिस्काउंट इवेंट देखने के लिए मिल सकता है जिसके अंदर आप लोग को डिस्काउंट कैसे मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सबसे नीचे जो क्रेट है इसमें मेरे को 20% डिस्काउंट मिला है, ऊपर से ग्लोल के स्किन है इसमें 15% मिला है, और जो ऊपर पर्नल है इसमें 10% का ऑफ मिला है। और एक पर्नल लूँगी तो यहाँ पे 10% का ऑफ आएगा टाइमिंग में, दो लेंगे तो यहाँ पे 20% का आएगा। तो आप लोग जितना लोगे उतना आप लोग को यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। सो चलो मैं सिखाती हूँ आप लोग को डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो 20% का ऑफ है जो क्रेट है, तो मैंने दो क्रेट लिया तो यहाँ पे 40% का ऑफ आ चुका है। फिर एक बंडल लिया तो यहाँ पे 50% का ऑफ आया क्योंकि बंडल में 10% का ऑफ है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। सो वैसे ही आप लोग जो बंडल है ग्लोल के स्किन है क्रेट है ये तीनों ही आप लोग ले सकते हो, जितना लोगे उतना आप लोग को ऑफ मिलेगा। सो ये इवेंट इंडिया सर्वर में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, बाकी ये जो डिस्काउंट इवेंट है ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लगा। और नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है आप लोग का जो FFP सीरीज जो बंडल है इसका फैट फल आप लोग को इंडिया सर्वर में बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। गरीना वालों ने अभी तक इसका जो ऑफिशियली बैनर है इसको फाइल के अंदर में नहीं घुसाया। जैसे ही फाइल के अंदर में गरीना डाल देगा इसका ऑफिशियली बैनर तो मैं आप लोग को वैसे ही बता दूंगी इसकी जो कन्फर्म डेट है ये कब आएगा और इसका फैटफुल कौन सा दिन आने वाला है। बट इतना जान लो कि आप लोग को जल्दी ही जो FPC का सुपरनल है ये आप लोग को जल्दी इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर इसी को आप लोग के लिए एक नया रिंग इवेंट निकल के आ रहा है जिसके अंदर आप लोग को यूनिवर्सल समुराई की टीम में सुपरनल है मेल को ये देखने के लिए मिल जा रहा है। सुपरनल है उसका तो रिव्यू आप लोग देख ही सकते हो। ये बंडल का जो रिव्यू हो तो मैंने आप लोगों को दिखाया, बट इसका जो पेट है ना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इसका पेट में पता नहीं इतना आम चलता है कैसे चल रहा है। बट बाकी यहाँ पे आप लोग जो पैन वगैरह है इसका और जो पर क्या है जो मग से वो भी आप लोग देख सकते हो, पूरा दांत वाला मग से। और साथ में इसका जो हेयर है ये भी आप लोग देख ही सकते हो, हरे रंग का हेयर है और ऊपर से रेड वाली चुट्टी। और फिर आप लोग को इसका जो ऊपर का है वो तो देख ही सकते हो, पूरा ही पेट में इसका आग जल रहा है एकदम दिया जैसा, और बाकी दिया जैसा भी नहीं है आग ही जैसा जल रहा है आग। और फिर इसका जो फीमेल वर्जन है ये भी आप लोग देख सकते हो, फीमेल का जो बंडल है उसका जो हेयर है और जो मार्क्स है ये थोड़ा अच्छा है, और बाकी इसका जो पैट है इसका पैट भी वैसे ही है, बाकी जो इसका हेयर है ये थोड़ा अच्छा है और अलग ही टाइप का लग रहा है। बट इसका टॉप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा है, टॉप तो अच्छा खासा है बट इसका पैड अच्छा खासा नहीं है। और फिर आप लोग को यूनिवर्सल समुराई की थीम में जो बैकपैक की स्किन है ये फिर देखने के लिए मिल जा रही है। जो बैकपैक की स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है एकदम, और मुझे तो बैकपैक का स्किन अच्छा खासा ही लगा। और एक दो तीन लेवल में आप लोग देख ही सकते हो। सो ये जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को जून मंथ के बाद में नहीं तो जून मंथ में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर इसी को आप लोग को सेवन एनिवर्सरी इवेंट के टाइम में आप लोग को सो पैर फ्लेक्स इमोट है ये वाला इमोट आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल सकता है, बाकी बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा तो ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ये वाला टोकन मिशन करके कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं मिशन कंप्लीट करके आप लोग को ये सब टोकन ही क्लेम करने को मिलेगा। और इससे ये सब पायरेट फ्लेक इमोट है ये आप लोग को 7 दिन के लिए मिलेगा, जितना टोकन एक्सचेंज करोगे आप लोग को उतने दिन के लिए आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि देख ही सकते हो आप लोग 30 बार नहीं आप लोग 2-3 बार इसको परचेस कर पाओगे टोकन से, जो टोकन आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। सो ये जो इमोट है ये आप लोग को 7th एनिवर्सरी के टाइम में आप लोग को ये इमोट नहीं तो कोई और अच्छा इमोट आप लोग को सब यहाँ पे टोकन एक्सचेंज में देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि जो इवेंट है वो आप लोग देख ही सकते हो। सो ये जो इवेंट है ये 7th एनिवर्सरी के टाइम में आने वाला है। फिर ये सीखो आप लोग को ये जो तारे वाला जो इमोट है जो तारे तोड़ के ला रहा है इसका आप लोग को रिंग इवेंट देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पे इस 44 अपडेट का
साइकिल वाला इमोट है, सर्कस वाला इमोट है, और भी सब इमोट्स वगैरह है, अंगूठा छाप इमोट है, ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। सो अच्छे अच्छे सो इमोट्स है इस अपडेट के, वो एक भी अभी तक नहीं आया है। सो आप लोग को V44 अपडेट इस अपडेट का सो इमोट है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों के स्पेशली रिंग इवेंट देखने के लिए मिल सकता है, जिसके अंदर आप लोग को और भी सो नॉर्मल इमोट्स वगैरह वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी सब यहाँ तारे तोड़ के ला रहे हैं आसमान से, ये वाला सो इमोट है, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना, बाकी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी आप लोग तारे, सॉरी चांद तो नहीं, तारे तो तोड़ के ला ही सकते हो आसमान से। और बाकी इसका रिंग बैंड का अभी कुछ भी कंफर्म बैनर वैनर नहीं आया है, बाकी ये पॉसिबल है कि इंडिया सर्वर में भी आप लोगों से ऐसा रिंग बैंड देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कंफर्म डेट का बैनर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को इसकी कंफर्म डेट बता दूंगी। और फिर से E4 Bonanza से बैंड है ना, ये 5 महीने के बाद में, 5 महीने के बाद में आता है, मतलब बस काफ़ी आया तो 5 महीने के बाद में आएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सो E4 Bonanza बैंड था ना, ये फर्स्ट टाइम आया था 23 अक्टूबर 2023 को, और सेकेंड टाइम 5 महीने के बाद में 19 मार्च को आया था। तो वैसे यहाँ पे आप लोग और 5 महीना जोड़ोगे तो यहाँ पे आई गेस आप लोग को 19 नहीं तो 24 अगस्त को आप लोग को सो E4 Bonanza बैंड है ये आप लोग को फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो E4 Bonanza बैंड का आने का, तो अभी आप लोग को अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, तो फिर से कैसे आप लोग को E4 टोकन्स है वो आप लोग को मिलेगा कम डायमंड में ही। सो E4 Bonanza बैंड की मैंने आप लोगों को कंफर्म डेट बता दिया। अब से लोग इस बात करते हैं आप लोगों से पिंक डायमंड इश्योर है ये कब देखने के लिए मिलेगी, और पिंक डायमंड स्टोर के अंदर में कौन कौन से रिवार्ड्स वगैरह आने वाला है। तो देखो पिंक डायमंड स्टोर के अंदर में आप लोगों को स्कार्फ की स्किन वगैरह, फिश की स्किन वगैरह, ये तो आप लोग को परमानेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट कुछ दिन के लिए देखने के लिए मिल सकता है। और सो बुलबुल के स्किन है ये परमानेंटली देखने के लिए मिल सकता है, और सो इमोट्स वगैरह ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है पिंक डायमंड स्टोर के अंदर में। बट सो रियल रियल अच्छा अच्छा इमोट है, ये सारे सो इमोट्स है ये आप लोगों को इस टाइम के लिए ही मिलेगा, परमानेंट ही मिलेगा। और जो बंडल्स वगैरह है ये आप लोगों को अच्छे अच्छे एक तो जो बंडल्स है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और पिंक डायमंड के सब कंफर्म डेट है, उसके बारे में बात करें तो आप लोगों को सो टाइम लिमिटेड शॉप है, इसका सो आइकन है ये OV42 के अपडेट में आया था, और ये अभी तक नहीं आया है, और अभी OV44 का अपडेट चल रहा है। तो आप लोग को 7th anniversary के टाइम में सो पिंक डायमंड 2024 इस टाइम आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग जो पिंक डायमंड स्टोर है ये आप लोग को 5th anniversary के टाइम में देखने के लिए मिला था, और 5th anniversary के बाद में सो पिंक डायमंड स्टोर है ये अभी तक फिर रिटर्न में नहीं आया है इंडिया सर्वर में। और पिंक डायमंड स्टोर के अंदर 5th anniversary के टाइम में ही बहुत ही अच्छा अच्छा सो बंडल्स है, और गुलबुल के स्किन वगैरह मिले थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, बैट वगैरह भी मिला था और गन की स्किन वगैरह भी थी। सो आप लोग को इस बार 7th anniversary स्पेशली आप लोग जो पिंक डायमंड स्टोर है ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, और 7th anniversary का जो वाउचर है वो भी आप लोग देख सकते हो। सो 7th anniversary स्पेशली इस बार जो पिंक डायमंड स्टोर है ये आप लोग को अगस्त मंथ में देखने के लिए मिल सकता है, 5th anniversary के बाद में, 2 साल के बाद में आप लोग को 7th anniversary के टाइम में जो पिंक डायमंड स्टोर है इसका 99% कंफर्म है कि आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि करीना बोलो ने इतना दिन से जो पिंक डायमंड स्टोर है इसको रिटर्न में नहीं किया है। सो पिंक डायमंड स्टोर बाहर के सर्वर में आ चुका है, बट इंडिया सर्वर में अभी तक नहीं आया है एक फिर पर। सो आप लोग का जो पिंक डायमंड स्टोर है इसके अंदर में जो बंडल्स वगैरह है वो आप लोग को एक तो अच्छा खासा मिल जाएगा, और साथ में आप लोग का जो स्कर्फ के स्किन्स वगैरह इस सब का भी चांस है कि आप लोग को कोई बेकार वाले जो स्कर्फ के स्किन है ये फिर करीना दे सकता है, और जो फिश की स्किन वगैरह है वो आप लोग को मिल जाएगी कुछ दिन के लिए, और जो गुलबुल की स्किन है ये तो आप लोग को परमानेंट ही मिल जाएगा जो पिंक डायमंड स्टोर है इसके अंदर में से, और सो इमोट्स वगैरह ये फिर आप लोग को पिंक डायमंड के स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, फॉलो करना, और चैनल पे पहली बार आए हो या फिर कहीं से मेरी वीडियो आपके पास आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी ऑन कर लेना। तो चलो गाइस, शट अप, बाय बाय।